कौनु सेति मो परिवार ता तब सब मा जा हो जे बाबा मो फ्रेंड सर मत फिटिंग लाग छ ग्लास चेंज कर न कौन कान बदल तू ना जा मेरे पास कल बाबू पूजा कर दिया ना लक्ष्मी द्वारा विश्वास प्रश्न माँ लक्ष्मी सुनाई पड़े लक्ष्मी जगन्नाथ ही धरे सरला पहुँचे इटी ना लक्ष्मी जगमान द्वार पड़ी यहाँ निश्वास प्रश्वास माँ लक्ष्मी समय कर जगन्नाथ को जन जगन्नाथ निर्देशन तू अढ़ी पिछड़ा पिछड़ा अढ़ी पंडा तू पहुँचे कि निघंत अदली बनातर महाराज अनुदेव प्रथम ताकि स्वतंत्र मंदिर कर व्यवस्था कर जंगल का मंदिर कर लाज जाएगी खोर्धा बुझे रक्त सावल से लाज थे बाजे विभिन्न मोरा हनुमान गाड़ी रखे मुंडा रखे कली दस शस आई मे देवी कली जुगर मैं गाड़ी रखे लोक मत कौन कहे मो लाज सीट थाओ तुम झील देखियो जाकि दस फुट बजे दस फुट गोटे पाचिरी है बाहर स्टोन जमी छुईब देखो खेल देखा हम हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय जगन्नाथ। तो आप सब कैसे गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम भी अच्छे हैं आपकी कृपा से। तो गाइस हम कल बता रहे थे ना हम दो खुशियां एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो फाइनली गाइस आज हमारी बाबा की 67th बर्थडे है जो कि हम पूरी जा रहे हैं। और दूसरी खुशियाँ है कि हम आज सोनाली के घर भी जाएंगे बहुत दिन बाद। तो फिलहाल एक खुशी हमसे छूट गया है। तो फिलहाल सोनाली अब रंभा आ चुके हैं तो उनके घर हमारा जाना कैंसिल हो गया। और ये जो प्रॉन है चिंगुड़ी इसको हम मिस्टर विशाल जी के और एक रिलेटिव्स के घर जाएंगे जो पुरी में है। तो फिलहाल पैक कर लेते हैं और हम सब रेडी भी हो गए। मिस्टर विशाल जी नहीं रेडी हुए और वो आज नाश्ते में बनाया है इडली और आलू बुडल तरकारी। लेकिन हम फाइनल किए थे घर से जल्दी बाहर निकलेंगे और रास्ते में नाश्ता करेंगे। तो फिलहाल ये तो बहू है बिना खाए हुए घर से कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो बहू खाने पीना है घर से किसको भी निकलवे नहीं देंगे। तो हम फिलहाल रेडी हुए हैं और बाबा नई ड्रेस में जो दिख रहे हैं ना आप मत पूछो दोस्तों बाबा मस्त दिख रहे हैं। कल हम जो जूडियो से लाए थे ड्रेस तो फिलहाल गाइस मेरे बाबा कोई हीरो से भी कम नहीं। देखो अभी इस 67th में इनका पोज इनका स्टाइल उनका अंदाज मस्त है ना। तो फिलहाल गाइस मेरे बाबा के लिए प्रे करना ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमारे साथ हमेशा के लिए ऐसे रहे। तो फिलहाल गाइस बता आप कमेंट में जरूर बताना मेरे बाबा कैसे दिख रहे हैं। तो फिलहाल गाइस अब हम निकल चुके हैं भुवनेश्वर से पूरी 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है तो मेरे भाई ने बोला है कि हम जाएंगे तो पूरी जरूर जाएंगे लेकिन यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर निरकरपुर आएगा और निरकरपुर पे पुर से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा वहाँ है शिवली महावीर। तो वो भी एक तीर्थ स्थान है उनके महावीर की शिवली महावीर की एक बहुत बढ़िया कहानी भी है। तो यहाँ पर हम कभी नहीं गए हैं तो जाएंगे आज जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तो हम
अब जा रहे हैं सिउड़ी महावीर। तो गाइस कुछ देर जाने के बाद हम थोड़ा रुक गए हैं, घर से बोल आया है कॉफी। तो आज सुबह का टाइम हो गया था तो निकलने में तो हम कोई भी चाय वगैरह नहीं पी पाए, तो वो साथ में कॉफी ले आया था। वो बो है ना, सबके ख्याल रखते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम कॉफी पियेंगे और मिस्टर बिस्वाल जी और भाई चले गए हैं नारियल पानी पीने के लिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं कॉफी का मजा, फिर चलेंगे सिउड़ी महावीर। तो यहाँ पर भाई और मिस्टर बिस्वाल जी नारियल पी रहे हैं, बीच में रास्ते के बीच में बीच बीच पर नारियल पानी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पीकर थोड़ा फ्रेश होकर फिर से हम निकलेंगे सिउड़ी महावीर। इस नारियल और कॉफी पी के थोड़ा सब लोग फ्रेश हो गए हैं और अब हम चले सिउड़ी महावीर, जो कि भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर दूरी पर निराकरपुर है। और वहां से अंदर जाएंगे, भीतर एक गांव जैसा आएगा, गांव के भीतर जाएंगे, 7 किलोमीटर दूरी पर सिउड़ी महावीर आएगा। तो हम फर्स्ट टाइम आए तो भाई अकेला आया था, वो भी थोड़ा नहीं जान पा रहे रास्ता, तो थोड़ा हम पूछ के जा रहे सिउड़ी महावीर। तो भगवान की डोरी लग गया, तो चलो चलते हैं गाइस। यहाँ पर सिउड़ी महावीर माने हमारी हनुमान जी की मंदिर है। फाइनली गाइज हम पूछ के चले आए हैं महावीर, सिउड़ी महावीर हनुमान जी का मंदिर। तो गाइज ये है हमारी प्रभु श्री सिउड़ी महावीर। तो उनकी एक बहुत बढ़िया कहानी है जो कि एक ब्राह्मण ने हमको बताए अब। तो फिलहाल गाइज जब प्रभु श्री जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की द्वार पर यह हनुमान जी यहाँ पर उनके द्वार पर तदारक करते थे, तो रात के समय पर जब हनुमान जी सो जाते थे महावीर, तो वो बहुत खर्राटे लेते थे। लेकिन इस खर्राटे के वजह से माँ लक्ष्मी को नींद की अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। तो महालक्ष्मी ने क्या किया कि उनके हाथों से थोड़ा महावीर जी को ऐसे हाथों से थोड़ा धक्का दे दिया, तो सिउड़ी महावीर ऐसे नींद में आके जाकर यहाँ पर गिरे। इससे हाथों में धक्का देने के कारण महावीर जाके नींद में ही यहाँ पर आके गिर पड़े। तो इस दिन से यहाँ पर महावीर जी की पूजा हो रही है। तो बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर सिउड़ी महावीर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक खास बात है दोस्तों, उनके जो सिउड़ी महावीर की जो पूंछ है लांच, तो वो वहाँ से लेकर 5 किलोमीटर दूरी पर निकली है, जो वहाँ पर ही पूजा हो रही है। तो आज ये कहानी जानकर बहुत अच्छा लगा और भगवान को हम बहुत ही प्रार्थना की कि हमारी फ्रेंड लोग को, हमारी गाइस लोग को अच्छे से रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत अच्छा भोग भी बनाया जाता है, जो कि चूड़ा है, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली ये पाउडर जो पोहा है चूड़ा, और इसमें मिलाया जाता है नारियल और चीनी और इसे ब्लैक पेपर माने गोलमरिच और इलायची माने गुजराती, इसको मिलाकर एक बहुत बढ़िया
पाक बना जाता है, तो जो कि ये चूड़ा हसा है जो कि बहुत ही, और इसमें घी भी डाला जाता है जो कि टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, और ये महाप्रभु की शिवली महावीर की मेन प्रसाद है, तो इसको हम भोग कर लेते हैं। से लांच जाता अग्नि गणी खोर्धा बुझलि रक्त श्राव से लांच बाजिला दुर्घटना से क्या मोरा सम्मानित सुनवा गाड़ी रखे मुंडा रखे कली दस शस निश्चित मेदे कली जुगर मैं गाड़ी रखे लोक मत कौन कह मो लाँच था तुम झील देखो जाकि दस फुट बजे दस फुट गोटे पाचिरी गाड़ी बाहर इटे स्टोन जमी छुईब देखो खेल देखा हम खाली जगन्नाथ मंदिर गले कौन हम थर मेन क्षय देखने हम ना नाटक द्वारा दर्शन करें लक्ष्मण राम गाइज, आज प्रभु शिवली महावीर की अच्छे से दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया गाइज। गाइज, अब हम शिवली महावीर से निकल चुके हैं, अब हमको और 10 किलोमीटर लगेगा पुरी जाने के लिए। तो रास्ते में देखो पास बाबा लाए थे, चॉकलेट लाए थे। बाबा के साथ कहीं जाना है तो खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, बहुत एंटरटेन करेंगे, बहुत मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। बाबा के साथ हर जगह जाना अच्छा लगता है। तो अब जाके फिर मिलेंगे आपके साथ पूरी में, तब तक के लिए देखते रहे धरित्री ब्लॉग्स। आज के लिए गाइस बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में। बाय गाइस, जय शिवली महावीर।